शास्त्र में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिसले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक ये कहता था, मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया। और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया और जानते किस आधार पे ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग, ये बात जिस पे डार्विन ने किया था, आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई ये ब्राह्मिनिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है और दलित नैरेटिव रावण के साथ है, आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप, राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मिनिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी, महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेदव्यास 18 पुराण उन्होंने लिखे, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी रामकथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है। जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं 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 ये आप क्या लिखा, विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगस्थनीज ने, इंडिका जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है, तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। ये कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब उनसे ये पूछिए, जैसे एक बार हम टीवी डिबेट में थे, एक मनुस्मृति के ऊपर भिड़ गए हमसे, तो मैंने कहा भाई पढ़े हो मनुस्मृति बताओ। अच्छा हमने कहा मनुस्मृति के 4 श्लोक बता दो। नहीं बोल, हमने कहा दो बता दो। हमने कहा अच्छा एक बता दो। तो एक क्या बोले, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने कहा ले दे कि आपको एक याद आया, उसमें हकीकत यह है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से भी पूछिए मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई, बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिप जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है, ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? और जो तुमने छपवाई है उसी वही ऑथेंटिक है, मतलब जो अंग्रेज ने छपवाई है वही ऑथेंटिक है, और उसी को लेकर सारा वाद विवाद है। और वो वाद विवाद में भी किस प्रकार का, देखिए षड्यंत्र और छल है। जैसे ये कहने का प्रयास किया जाता है कि जैसे कोई हमारे सनातन मत और बौद्ध मत में कोई अंतर है, कहते ना मनुवाद और बौद्ध मत। अरे मैंने कहा कभी भाई देख लो, जब पूजा होती है देख लो, एक ही लाइन में दोनों आते हैं। जब पूजा होती है तो कहते हैं स्थान देवता अभ्यो ना, कुल देवता अभ्यो ना। फिर जब टाइम का बताना शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के समय से, तो जब पूजा में क्या बोला जाता, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, मनुवाग है वैवस्वत मनु के समय में, वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे।
फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। एक ही लाइन में मनु और बुध दोनों का नाम हर पूजा में लिया जा रहा, उसके बाद कहते जी हम अलग है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक जगह लिखा दिखा दे, यहां भगवान बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूं। भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला, एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की, मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सकती थी। सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं, बल्कि कल भी मैंने इस पे टीवी में बोला था कि सम्राट अशोक के 180 से अधिक शिलालेख उपलब्ध हैं, अफगानिस्तान से लेके बर्मा और नीचे कर्नाटक तक। कहीं पे उसने ये लिखा हो सिर्फ कि केवल बौद्धों का सम्मान करो, कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा भिक्षुओं का, श्रमणों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे भाई अशोक ने कहां लिखा मैं बौद्ध हूं, ये बता दो, एक जगह लिखा दिखा दीजिए। कोई भेद ही नहीं था, सब सबको समान रूप से मानते थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग ने लिखा कि हर्ष तो भगवान बुद्ध को इतना मानते थे वो बौद्ध है, और वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि बाणभट्ट ने उन्हें शैव लिखा है। क्यों? इसलिए कि सभी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाहर वाले को लगता था कि ये तो इनको मानते तो इसी के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पर, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो ये मानते हैं जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां बड़ा एक व्यापक स्वरूप था, उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वह था। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूं। आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है, हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे नहीं लिखे गए कि कोई एक, जैसे कहते हैं, एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं, विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है। सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं उन सब के शिक्षक हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है, वो चेंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल है। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी, और 1,26,00,000 थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल है। और वो कब है? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया, इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं, जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ साइंस व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया,
संडे चर्च प्रेयर के बाद जो दो घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना, तब हमारे उनसे तीन गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां एक सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेत कुरेत कर नष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गए, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका वो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहां वर्धा जेल में थे, उनके बाद फिर लेटर आया, वो बीजे नहीं नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोट करके दी। उसके बाद चौक तो गए फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद इसीलिए आपने नाम सुना होगा प्रख्यात लेखक धर्मपाल थे, उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे। और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। और अफसोस कि नेहरू के जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल चले गए। और उसके बाद यह भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, मगर फिर जो लेफ्टिस्टों का षड्यंत्र आया लेट 60s और अर्ली 70s में, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से गायब कर दी गई। और उसमें क्या षड्यंत्र था, आज वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, भारत के साथ क्या हो रहा था 60 के दशक के अंत या 70 के दशक में। एक रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था, उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया था। और उसने कहा था वो एजेंडा देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था, मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया, और ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत निपटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था, उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15-20 इयर्स स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को लोके, जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन में। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे तो थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, अब उनको हिंसक आंदोलनों का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, उसने कहा है। और फिर उसने कहा अब तो सारी बातें हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल संस्थान, भारत का मीडिया में कैसे लोग थे, जुडिशरी में कैसे था, सरकार में कैसा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी क्या क्या दखल थी। और इसीलिए मैंने बात पहले भी कई बार कही, 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र है। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा, 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलेन है
कन्हैया लाल जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है और कैसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सबने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना? और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है। अगर आप यह कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, तो वहां आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है, और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है तो फिर एसिड भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। वो हमारे दिमागों पर क्या असर डालती है ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे विचार हो, भाषा हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, जब आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो आपके दिमाग पर क्या असर डाल रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में कहां कितनी गहराई तक ले जा रही है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए, किसी भी मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे आप, मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाध्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। और इसीलिए जो मैंने कहा ना, कार्ल सेगन ने, फिर आ रहा हूं, जो वॉयजर में लिख के भेजा है जो भाषा, उसमें संस्कृत को भी क्यों प्रयोग किया है, जानते समस्या क्या है? बाकी लैंग्वेजेस की जो व्याकरण है वो शब्द आधारित है। राम गोज टू हाउस इज अ करेक्ट सेंटेंस, हाउस गोज टू राम इज अ रॉन्ग सेंटेंस। पर संस्कृत का व्याकरण शब्द आधारित है। रामा गच्छति गृहे, गृहे गच्छति रामा, गच्छति रामा गृहे, एक है। इसलिए समस्या क्या है कि कोई परग्रही सभ्यता को आप तीन वर्ड्स का चित्र तो बना देंगे, पर यह कैसे गारंटी है कि वो इधर से इधर पढ़ेगी या इधर से इधर पढ़ेगी? आप एरो भी बना देंगे तो वो एरो को समझेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए वह भाषा होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाए वो एक समान आए। और फिर मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें विदेश में सीखी जा रही हैं और हमें भड़काया जा रहा है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर से झूठ पाखंड भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। और उसका सूत्रपात कहां से है? महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, थॉमस क्रूजो और जेम्स फिंडले, उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकाल कर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले, महत्वपूर्ण बात क्या है, कुम्हार जाति के लोग हैं।
जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है? यह लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में दो अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। मुंबई कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है, और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्त था, पाखंडता और कुछ नहीं है, ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, भाषा के अंदर जो साहित्यिक प्रभाव है, कहते ना कालिदास वॉज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, को तुलना है, शेक्सपियर इतने 100 साल के बाद हुआ, कालिदास से क्या तुलना। और तुलसीदास ने 140,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, और जहां तक मैंने पढ़ा था शेक्सपियर ने शायद 18-19 हज़ार शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास से तुलना नहीं शेक्सपियर की, कालिदास से क्या तुलना करने लगे। जिस जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं हैं, जिस जिस प्रकार की, मतलब आपको शायद ये पता हो कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, किसने कहा था? किसी इंडियन ने नहीं कहा था, विलियम जोन्स जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहला कौन सा ग्रंथ ट्रांसलेट किया और क्यों वो आकर्षित हुए? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था, उसमें जो शकुंतला की विदाई का दृश्य दिखाया जा रहा था वो देख के, कुछ वहां पे कोई लोग थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उन्होंने बताया, तो उपमाएं सुनकर इतने प्रभावित हुए विलियम जोन्स, उनको लगा ये मुझे रियल में पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल भाषा में। तब उन्होंने बड़ा जुगाड़ करके संस्कृत सीखी, कि उनको कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था, उसने कहा कि भाई ये मिलेच्छ है, इनको थोड़ी सिखाएंगे संस्कृत, पर उन्होंने सीखी। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और विद्याधर का हितोपदेश, जिसको यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदा पाई कहते हैं, क्योंकि विद्याधर वो बोल नहीं पाते थे, वही व्याकरण वर्तन ही का अंतर आ जाता था, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। और जब उसने ओरिजिनल पढ़ी तो विलियम जोन्स ने लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ सर्ग में शकुंतला के विदाई के दृश्य में जो उपमाएं दी गई, मैं परप्लेक्स्ड हो गया कि ह्यूमन माइंड का इमेजिनेशन इतना ऊपर हो सकता है। मगर वो हमारे यहां कभी उस चीज से एकदम काट दिया गया। मैंने एक, मतलब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, कहा जाता है कि कालिदास अंतिम समय में जब वो श्रीलंका गए, एक जनश्रुति है, तो वो एक गड़िका के यहां चले गए थे, उसने कहा राजा ने वो दी है समस्या पूर्ति, तो उस पर कविता बनानी होती थी, तो राजा ने समस्या पूर्ति ये दी थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, यानी कमल के ऊपर कमल उगता है ये सुना जाता पर दिखाई तो नहीं पड़ता। तो कालिदास ने कहा बस, वो पूरी कविता मुझे नहीं याद है, उन्होंने एंड यहां पर किया कि पहली लाइन थी कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, अंत में उन्होंने कहा बाले तव मुखाम्बुजम कस्मिद इंदीवर द्वयम। अंबुज कहते हैं कमल को, यदि यह नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारे कमल रूपी मुख के ऊपर दो कमल रूपी नयन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बताइए किस ढंग से उन्होंने उस पूरी समस्या पूर्ति को कर दिया। मतलब मैं आज की पीढ़ी के लिए कहता हूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं भैया तुमको बहुत प्यार मोहब्बत और इसकी बात आती है तो तुमको क्या याद आता, लैला मजनू सीरी फरहाद सलीम अनारकली जोधा अकबर यही याद आते हैं। मेरे भाई अगर उसमें भी पढ़ना है पढ़ लो दुष्यंत शकुंतला की कहानी, स्वप्न वासव दत्ता, राजा उदयन और वासव दत्ता, चंद्रापीड की कथा, और जिस जिस प्रकार की उसमें कथाएं हैं, अगर आप मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र मालविका की प्रेम कथा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आप शेर व शायरी कह के बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ये उसके आगे कुछ नहीं लगेगी, इतनी गहरी उपमाएं उसके अंदर। तो मैंने इसलिए कहा साहित्य हो, विज्ञान हो, राष्ट्रवाद हो, सबके साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और देखिए जोड़ने में तोड़ने के तत्व कहां पे खोजे जाते हैं। मैं जब पहली बार यहां आया 2005 में, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद थी मुंबई में, 31 दिसंबर 2005 को वो समाप्त हुई, तो अंत में प्रमोद महाजन जी ने, वो यहां का बड़ा प्रख्यात जो नाटक है जो हर जगह दिखाया जाता है, जानता राजा, उसका मंचन किया। और जानता राजा के अंत में क्या बोला जाता है, अंतिम वाला छंद याद है, इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़व सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये शिवाजी के राज्य के बारे में। इसका अर्थ आप लोगों को पता हो तो आपको उसकी फिर ध्वन्यात्मक कहते हैं, इंद्र जिमी जम्ब पर, जिम्भासुर एक वृत्तासुर था ना, इसको इंद्र ने हराया था,
जैसे इंद्र क्यों, इंद्र वृत्तासुर पर, इंद्र जी में जम पर, बाड़व सुवंब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र, रावण सदंब पर, अहंकारी रावण पर रघुकुल राज है, और पवन वारिवाह पर, यानी पानी के करंट के ऊपर जैसे हवा दौड़ती है, पवन वारिवाह पर शंभु रति नाहा पर, शंभु होता शंकर जी, रति के स्वामी यानी कामदेव को जिनको भस्म किया, शंभु रति नाह पर जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजरा सहस्र बाहु को परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काटी थी, द्विजराम यानी ब्राह्मण राम, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि सबसे प्रखर तब होती है जब वो बांस के जंगलों में लगती है, द्रुम दंड को कड़कड़ करती हुई पूरी अग्नि फैलती चली जाती है, दावा द्रुम दंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह है, और कान जिनी कंस पर, यह तो समझ में आ ही रहा होगा, तेज तम अंश पर, और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ये लिखा गया है अवधि में, सुनाया जाता है मराठी के नाटक में, और प्रेरणा देता है राष्ट्रवाद की, ये जोड़ने के तत्व थे, मगर इसके बाद उसमें तोड़ने के तत्व कैसे निकाले जा सकते हैं, आज सारा का सारा अभियान षड्यंत्र इसी पे चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो शिवाजी की जब सेना चलती थी तो उसके लिए जो बोला जाता है उसी नाटक में वो क्या है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सारे जा शिवाजी जंग जीतने चलत है, ये तो समझ में आएगा, वो चतुरंगणी सेना को सजाकर शिवाजी जंग को जीतने के लिए चलते हैं। आगे कहते हैं भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगाड़ों का नाद इतना वृहद है कि नदी नदमद गैबरन में रलत है, सर नदी और नारे लहराना शुरू कर देते हैं, और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, जब वो फैलती उनकी सेना निचले इलाकों में जाती है तो ऐसा गुबार उठता है कि गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, गज मतलब हाथियों की पैर की धमक से ऐसा लगता पर्वत उछलने लगते हैं, और उस उससे जो धूल निकलती है उससे लगता है सूर्य इस कदर ढक जाता है कि वो तारे जैसा दिखने लगता है, तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में, और फिर वो कहते हैं ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक समुद्र है सेना का, और वो कैसा दिखता है धरती के ऊपर, जैसे थाली पर आप पारे को रख दें तो पारा हिलता डुलता दिखता है, तो ऐसा लगता है उनकी सेना का समुद्र इस धरती रूपी थाली के ऊपर हिलता हुआ चला, थाली पर पारा पारा वारियों हलत है। अब ये तो अर्थ बताया, मगर इसी को जब पूरे धुन में गाया जाता था जो उसकी रिदिम थी उसको आप सुनिए तो आपको एक अलग अनुभूति होती है, क्या कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सार जा शिवाजी जंग जीतने चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, और तारा सुतरनी धूरी धरा में परती जी में, थारी पर पारा पारा वारियों हलत है। अब बताइए इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं, इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा, उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती हैं, जानते हैं क्या होता है, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कुछ प्रेरणा देते हैं, जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया था तो आसुरी वेश में आया था क्या, साधु का वेश बना के आया था, तो अक्सर आसुरी शक्तियां साधु का आवरण ओढ़ के आती हैं, वो अपने को कहती हैं हम लिबरल हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, हम तो ओपननेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और इतनी मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते कौन सी दो शक्तियां एक हो जाती हैं जो सीए के आंदोलन से आते हैं, देखो लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट और फंडामेंट कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, और मजे की बात यह है कि आप दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाहे रशिया हो या चाइना, और एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित ना हो, अच्छा चलिए एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो गजब है साहब, पूरी दुनिया में जो एंटीथीसिस है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म के,
और इतना ही नहीं, एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी है, मतलब उसको शब्दशा न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, सांप नेवले की लड़ाई है। वो यहां पे आके एक होके हमको लेफ्ट लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। इसे ही कहते हैं कि कैसे आवरण में धर कर आता है और आपसे कहता है मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ लक्ष्मण रेखा के, और गलती से कोई चला जाए तो बस फिर क्या गति होती है, तो रावण के चंगुल में जाना पड़ता है इसीलिए। और वो चीज क्या है, अब एक और बात समझिए, एक दूसरे प्रकार का भी रावण आ रहा है जिसे समझना चाहिए। थोड़ा सा विषय लेके बताना चाहता हूं, ये रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 8 या 12 क्यों नहीं, 20 या 25 क्यों नहीं, और एक सर कटता था दूसरा क्यों उगाता था, और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था, 10 मुख वाला क्यों था, 10 शीश 10 ग्रीव 10 कंधर 10 उदर क्यों नहीं था। एक्चुअली में रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक है, और दशानन इसलिए कि 10 इंद्रियों की खुली हुई बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किसी इंद्रिय की इच्छा पूरी करो, इमीडिएटली इट गेट रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए यानी क्या है, वही जो आजकल कंज्यूमरिज्म मार्केटिज्म बच्चों को पढ़ा रहा, दिल मांगे मोर, और चाहिए हर गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 3 प्रकार की ड्रेसेस चाहिए, 6 प्रकार की स्ट्रिप्स चाहिए, जूते अलग प्रकार के चाहिए, फिर ये भी खाने में चाहिए, 56 प्रकार की आइसक्रीम चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 10 इंद्रियों, और उसको कभी समाप्त नहीं हुआ, एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा। जिस दिन आपके पास कार आएगी, आपको बड़ी कार की चाह हो जाएगी, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, फिर प्राइवेट जेट, और प्राइवेट जेट में भी सुपरसोनिक जेट, और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो आखिर में उसको समाप्त कौन करेगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, राम समाप्त करेंगे। राम शब्द का अर्थ है रमंते इति रामा, रम शब्द का अर्थ होता है रमना, किसी में सेटिल होना, रमणीक स्थान, रमता जोगी, रमंते इति रामा, वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटिल्ड है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड, वह एब्सोल्यूट एलिमेंट है राम। और राम के पिता कौन है, दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वो एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है, और वो बनकर, और देखिए कितनी मजेदार बात है, महिला एक्टिविस्ट जो लेफ्ट लिबरल थी, जो मिनी स्कर्ट पहनने को लेकर तो बहुत आक्रामक हो जाती थी, और वही हिजाब के साथ खड़ी थी बुरके के साथ, मतलब इससे बड़ा आप डाइकोटोमी ऑफ द करेक्टर नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक और हलाला के भी पक्ष में खड़ी हुई थी, इससे ज्यादा आप मजाक क्या समझ सकते हैं, कि इसका मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, केवल उनको एक धर्म संस्कृति के बारे में बात करे वो करनी थी। इसलिए मैं कहता हूं उस रावण को समझिए भली भांति, और उसका प्रतिकार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देखिए, और अपनी लक्ष्मण की मर्यादा रेखा न लांघिए, क्योंकि रावण आजकल जानते किस रूप में आ रहा है, कि वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, संग गीत था टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो समझिए वो उस रूप में आ रहा है। और फिर अंत में कहता हूं, मगर अब जरा गौर से देखिए ये देश जा कहां रहा है। 2 मिनट और लेता हूं। जिसको लोग कहते हैं ना ये तो बड़ा एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है, वो एक्सट्रीम राइट विंग की डेफिनेशन हर 20 साल में बदल जाती है, और वो राइट विंग अब सेंट्रिस्ट आइडिया हो जाता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, 1905 में जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तो उनको क्या कहा गया था, राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए, ये तो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। लोगों ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ये 1905 का दशक था, आपने देखा 20 साल गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी। यानी जो राइट विंग आइडिया था वो अब मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड आइडिया हो गया। अब वहां राइट विंग कौन थे, कांग्रेस के अंदर का जिसको हिंदू एलिमेंट कहा जाता था, या हिंदूवादी विचारधारा के नेता कहे जाते थे, सरदार पटेल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। और 20 साल गुजरे, 47 स्वतंत्रता के बाद ये सब सरकार के हिस्से हो गए, अब ये एक्सेप्टेबल हो गया राइट विंग। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं 50 के दशक में,
और 20 साल गुजरे। याद करिए 60 के दशक का अंत होते होते पुराने लोगों को याद होगा कि लोहिया जी और दीनदयाल जी के बारे में कहा जाता, दीनदयाल जी ने कहा लोहिया जी राष्ट्रवादी समाजवादी हैं और लोहिया जी ने कहा दीनदयाल जी समाजवादी राष्ट्रवादी हैं। और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गई कई राज्यों में। अब वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब 70 के दशक में राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे कह रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी राइट विंग है। मगर आप 125 साल में देखिए वो उत्तरोत्तर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि नियति ने तय कर रखा है कि अगले 20 साल बाद क्या होने जा रहा है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसपे मैं मजाक में कहना चाहूंगा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी, घर में जो चीजें बहुत पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पुराने हो गए कपड़े, पुराने, फिर कहते हैं बहुत पुराने हो गए, फिर अगली स्टेज होती पुराने धुराने हो गए, फिर होता है कि फटे पुराने हो गए। तो वो उत्तरोत्तर उस स्थिति में जा रहे हैं। और लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। चाइना तो नाम का लेफ्टिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट से भी ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट है। तो इन दो जगहों के अलावा अभी वो और दो जगहों में बचे हुए हैं, एक है केरल और एक है इंडियन इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट एंड मीडिया। क्योंकि लास्ट में जिसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आज एक भी सांसद नहीं है, पर एस्टेब्लिशमेंट पे आज ऐसा कब्जा है कि जो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था ना, उसको गंभीरता समझने की बात है। सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है। तो वो अभी ऐसी ऐसी जगहों पे हैं कि यूपी में बुलडोजर चला था ना, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे हैं। तो वो सारी चीजें अपनी जगह समाप्त हो रही हैं। अभी बंगाल में कहा गया भाजपा हार गई, अरे क्या बात आप कर रहे हैं, जस्ट 10 years बैक इन 2011 अदर देन चाइना द बिगेस्ट पॉपुलेशन अंडर लेफ्ट रूल वॉज वेस्ट बंगाल, वहां से लेफ्ट साफ, लाल भी साफ हरा भी साफ। अब बंगाल में इस बात तो हो रहा है कि हम गहरे भगवे नहीं, हम हल्के भगवे हैं, चंडी पाठ करके दिखा रही ममता, उसके बाद आप कह रहे हैं भाजपा हार गई साहब, इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया और कम्युनिस्टों का कितना बड़ा पतन आया, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, वो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सजदे में गठबंधन कर लिया बंगाल में धर्म गुरु के साथ, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, जो वंशवाद के खिलाफ थे, केरल के मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को टिकट देके मंत्री बना लिया, मोहम्मद रियाज को, पिनारी विजयन ने। तो उनके सारे विचार समाप्त हो गए, अब आश्वस्त रहिए। देखिए प्रकृति की नियति एकदम साफ है, मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी नहीं है, ये मोदी जी नियति के बड़े परिवर्तन का एक माध्यम है। कैसे? 1901 में, 1 जनवरी 1901 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर गिरी तो किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि हम वो सारे काम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब तक कहते थे ना उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा, मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 42 करोड़ लोगों को जोड़ा। फिर क्या किया? बिगेस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, बिगेस्ट वैक्सीनेशन, बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना में चाहे गरीब महिलाओं को गैस देना हो, शौचालय देना हो, घर देना हो, पहले
समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त किया, फिर इस देश को सशक्त किया। डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार यह देश आत्मनिर्भर हो रहा है। और मजे की बात यह कि मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, दो डिफेंस कॉरिडोर हैं तमिलनाडु में और यूपी में। अब ब्रह्मोस मिसाइल, पहली बार इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भारत एक्सपोर्ट करेगा। फिलीपींस पहला देश बना जिसने भारत को ऑर्डर बुक किया है। उसका एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में ही बनेगा। बताइए, यूपी में उससे पहले कट्टे बना करते थे, अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इतना बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हमने चाहे जमीन से परिवर्तन हो और चाहे सोच में परिवर्तन हो कि काशी विश्वनाथ भी उठते हुए दिख रहे हैं, राम मंदिर की पताका भी दिख रही है, और फिर चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति हो, या तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की मूर्ति हो, या गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति हो। और बदलाव देखिए कितना बड़ा आ रहा है। कि मैंने कहा ना कि ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं, प्रियंका जी देवी स्तुति कर रही हैं।